क्योंकि इसमें मेजरली मुझे अभी डाउट लेना है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं नो वॉइस। क्लियर। क्वेश्चन हमने कहां तक कर लिए थे कल? चलिए मैं टाइम पे ही खत्म कर दूंगा। थ्योरी नहीं, पहले बताइए इस 10th क्वेश्चन। चलिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ही करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। पहले केस में कहता है फिक्स कॉस्ट दे दिया, कंट्रीब्यूशन दे दिया, प्रॉफिट निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितने का है सर? 37,000। सर कंट्रीब्यूशन कितने का है? 84,000। अगर हम फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों ले ले तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर प्रॉफिट होगा कंट्रीब्यूशन में से माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज आपका आ जाएगा 84,000 माइनस में 37,000। बताइए फटाफट निकाल के क्या आता है। फोर्टी सेवन पहले का आंसर, डन। सेकंड, वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ सेल्स। वीसी दे रखा है आपको 80%, और जब ना बोले तो सेल्स का ही होता है। एमओएस 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको 30%। इसके बाद कहता है जो कि हमारा सेल्स है हमारा 1 लाख रुपए। सर सेल्स है हमारा 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इस सवाल में सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? आपको 2 मिनट दिया जा रहा है बिना किताब को देखते हुए, कौन बताएगा? या 2 मिनट में तो लेट ही कर दोगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर एमओएस 30 है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 70% है कि नहीं? अगर ब्रेक इवन पॉइंट 70% है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा 30% है, बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ। यानी जो हमारा 30% का सेल होगा ना, उसके ऊपर सारा प्रॉफिट कमाया जाएगा। यानी 70% वाला सेल जहाँ पे नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस। बाकी का जो एमओएस वाला है हमारा 30% वाला, जहां पे हमारा सारा सारा प्रॉफिट होगा, और मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो यहां नो फिक्स कॉस्ट। ये बात अगर आप समझ गए तो बात बन जाएगी। सर ऐसे कैसे नो फिक्स कॉस्ट? चलिए एग्जांपल एग्जांपल लीजिए। मान लेते हैं 1,000 रुपये का है और वीसी मेरा 800 है, और एफसी मेरा कितने का है सर? एफ सी मान लेते हैं हम 200 का है, तो पूरा ही हो गया 100 मान लेते हैं एफ सी, ठीक है। एफ सी मान लिया 100 रुपये, तो आप माइनस करके प्रॉफिट क्या आ गया? 100 रुपये का प्रॉफिट आ गया। मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं ब्रेक इवन पॉइंट। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है हमारा? तो सर यहां पे क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन एफ सी डिवाइडेड बाय पी वी आर है कि नहीं? एफ सी डिवाइडेड बाई पी वी आर करो, तो एफ सी डिवाइडेड बाई अगर पी वी आर करते हैं हम, तो एफ सी तो हमारे पास पता है 1,000, 100। पी वी आर बता दो कितना होगा? 800 है ना, तो पी वी आर क्या होगा हमारा? माइनस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन 200 और डिवाइडेड बाई 1,000 × 100 कितने बन रहे हैं? 20%, 20%। तो डिवाइडेड बाई 0.2, बताइए क्या है? 100 डिवाइडेड 0.2 कितना आ गया?
500, कैलकुलेशन करते जाओ भाई, 500 आ गया, यानी 500 ब्रेक इवन पॉइंट है। मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वो सेल्स होता है जहां फिक्स कॉस्ट कवर हो जाता है, बाकी के जो भी उसके अलावा सेल होगा उस पर फिक्स कॉस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। अब मुझे इसी वाले क्वेश्चंस में आप मुझे एक काम करो, मुझे बता दो वीसी का परसेंटेज क्या है। सर वीसी का यहां पे परसेंटेज जो बन रहा है ना, वो वीसी का परसेंटेज बन रहा है हमारा, ठीक है, यानी 500 ब्रेक इवन सेल्स है तो एमओएस कितना है सर? सिंपल सी बात है सर, आपका एमओएस क्या होगा, सेल्स में से ब्रेक इवन निकाल दो, है ना। तो सेल्स में से ब्रेक इवन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 500। अगर मैं 500 रुपए रखूं सेल्स, इसका 80% क्या है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर दो 80% वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 400, तो प्रॉफिट क्या आया। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्या कि अगर एमओएस है तो एमओएस का मतलब वो सेल्स है जहां पे फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो वो हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर हो गया पूरा का पूरा। कहां कवर हो गया सर, फिक्स कॉस्ट इसी में कवर हो गया, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट कितना बताया मैंने, 500। अब मान लो 500 का है, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा आपका 400, और माइनस आपका फिक्स कॉस्ट कितना है 100 रुपए, तभी तो ये जीरो आया होगा। अगर ये जीरो आ चुका है तो फिक्स कॉस्ट और 100 कवरिंग हो गया, तो उसके आगे फिक्स कॉस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। तो सेम सिंपल सी बात है कि हमारा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला जो सेल्स होगा ना, वो 30% होगा, किसका, यानी इसका, एग्री। और इसमें से सिर्फ क्या माइनस कर दें, वीसी, तो बाकी का बचेगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट। तो वीसी कितना है, 80%, तो 24,000, तो कितना आ गया प्रॉफिट सर, 6,000, बात खत्म। लाइट बढ़ा दो, स्क्रीन बैक ब्लैक शो हो रहा है, अभी लाइट बढ़ा देते हैं, एक मिनट रुकिए बस, चलिए 2 मिनट दीजिए, लाइट बढ़ा देते हैं। ओके, अब एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, बता दीजिए फटाफट, दिख रहा है, मैंने लाइट बढ़ा दिया है। चैट में बता दीजिए, मैंने लाइट इंक्रीज कर दिया है। बहुत ज़्यादा स्पीड में ना करवाएं, बच्चे कह रहे हैं। टिपिकल नहीं है सर, ये है आपका प्रैक्टिस है ना, तो सब है, फॉर्मूले टिप्स पे याद होना चाहिए, कहीं से कुछ भी आ जाता है। और इसके करने के अभी मैं मेरे से पूछोगे ना, तो फिर मैं टाइम लगाऊंगा, फिर बोलोगे सर जल्दी जल्दी आप करा दो, थोड़ा सा एक ही चैप्टर काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो दोनों में तो मैं ही फंसता हूँ। इससे बेटर है कि रिकॉर्डिंग देख लो, इसके अंदर टाइप बोलोगे तो मैं इसके 4 तरीके और बता दूंगा, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं एक पूरा स्टेटमेंट बनाऊंगा, क्योंकि फिर मैं यहाँ से निकालूंगा प्रॉपर फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालूंगा फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्म से, क्योंकि आपको ये भी पता चल जाएगा फिक्स कॉस्ट जैसे निकलेगा फिर हम दोबारा से पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे, तो फिर वो रहेगा। चलिए कोई नहीं, जितना कर रहे हैं करते जा रहे हैं, पूछते जाइए आप सवाल। सचिन का है कि सर एक बार और, यस सचिन आप पूछते जाइए, टू द पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊंगा, ये लो। ये वेरिएबल कॉस्ट 80 कैसे लिया, ये देखो आपको सेकंड पार्ट में ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था,
ये सेल जो है एमओएस का है, और एमओएस के सेल में फिक्स कॉस्ट नहीं होता, ये क्लियर है? ठीक है, इसका 80% वेरिएबल है, तो मैंने 80% निकाल दिया। किसका सर? 30,000 का 80%। तो फिक्स तो रिकवर हो जाता ना, ब्रेक इवन पॉइंट हो हाँ, जाता तो है ना। अब इसलिए नहीं होता, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये 30 में से 24 गए, तो बचे कितने आपके? 6, 6 बचा हुआ प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बचा ही नहीं हमारे पास। तो यस सर, ठीक है, ठीक। यस हिना, शायद आप बता रहे थे कुछ, उससे डिस्कनेक्ट हो गया, आप दोबारा कर लीजिएगा। यस हिना, बताइए। आवाज नहीं आ रही। सर थर्ड बता दो। अरे दो तो किए ही हैं, थर्ड कहाँ से बताएं? सत्येंद्र, दो ही बताया मैंने, तो थर्ड कहाँ से बताएंगे? थर्ड अभी करेंगे, थर्ड तो अभी स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो सेकंड ही किया है हमने। यस अभिषेक, बताइए। हाँ जी बताइए, आ रही है वॉइस? सर आपने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू एडवांस का परसेंटेज। हाँ, सर उस फॉर्मूले से निकाले हुए प्रॉफिट करना वहाँ था। प्रॉफिट क्या क्या था? प्रॉफिट क्या बताया आपने? कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो आप? इक्वल टू प्रॉफिट इनटू एडवांस का परसेंटेज। प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। नहीं, प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू एडवांस का। तो एमओएस का परसेंटेज ये वाला बोल रहे हो आप? मैं बताता हूँ, आप ये बोल रहे हो, आप डायरेक्ट बता रहे हो, मैं डायरेक्ट नहीं बता के। सर आप मैंने कंट्रीब्यूट निकाला ये प्रॉफिट आपने डिवाइडेड बाय पीवीआर होता है, ये वाला होता है फॉर्मूला एमओएस, ये रुपीस में होता है, ये एमओएस का ये वाला बोल रहे हो आप? नहीं, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट इनटू एडवांस का क्या फॉर्मूला लिखा। अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ पे लगवाया था ना, यहाँ के ही लगवाया था। हाँ तो बताओ, इसमें दिक्कत क्या आ रही है आप? इससे निकालने में अलग इससे निकालने में आप कह रहे हो अलग? आगे भी मुश्किल है, उसमें भी इसी का थर्ड पॉइंट जो है। थर्ड पॉइंट, अब मुझे ये बिल्कुल भी माइंड में क्लिक भी नहीं कर रहा। ये वाला समझ में आ गया आपको? आप एक बार पूरा फॉर्मूला बताइए, कौन सा बोल रहे हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन, आगे शायद माइक डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्टेड तो अभी। कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू में एमओएस का परसेंटेज, इक्वल टू प्रॉफिट इनटू एडवांस का परसेंटेज। ठीक नहीं, प्रॉफिट इनटू एडवांस का परसेंटेज। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ ये फॉर्मूला। शायद आपका ना माइक रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको एक बार ना क्लोज कर लीजिए। चलो मैं इसको आगे देख लूंगा, अभी इसमें टाइम लगा नहीं रहा। आपका डाउट ये है ना, इसको मैं लिख ही लेता हूँ, इस पर लिख नहीं रहा, अभी मैं दूसरा भी कर देता हूँ। सारा करने के बाद फिर मैं उस पर आ जाऊँगा, कब लगाया था मैं एक बार देख लूंगा पूरी शीट पे जाके। ठीक है, किस सिनेरियो में लगाया था ये आइडिया नहीं है मुझे। यस मानसी, सर ये बीईपी कैसा है सर, डिविडेंड क्या कैसे आया? इवन पॉइंट ये कैसे आया ब्रेक सर 70? ये होता है ना ब्रेक इवन, क्या होता है हमारा 100 में से अगर हम एमओएस का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो ब्रेक इवन, ही तो स्टार्टिंग में देखा है हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके। हाँ
हाँ जी अक्षय, आप भी पूछिए। हाँ जी जी बताइए। का ये 30,000, ये सेल्स का ना, जो सेल्स था ना वो 30% था एमओएस, तो 1 लाख सेल्स का 30% निकाला है ये, ठीक है ना। चलिए हाँ आप ठीक हो गया, वो इको साउंड क्रिएट हो रहा था। थर्ड पॉइंट कहता है, कहता है फिक्स कॉस्ट ये रहा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास ये रहा, पीवी रेशियो दे रखा है, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो है, तो क्या निकल जाएगा सर? ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक इवन सेल निकल जाएगा। ये भी देखो कितने आसान, मतलब के कैसे चले कैसे चले। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है सर? फिक्स कॉस्ट दे रखा है, और अरे और क्या दे रखा है? एमओएस दे रखा है। कितना एमओएस है? 50%। फिक्स कॉस्ट कितने हैं? 2 लाख। इसके बाद क्या है? पीवी रेशो क्या है? पीवी रेशो और कुछ भी है? नहीं है ना और कुछ, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर 0.4। कितने बनते हैं ये? पांच लाख। और 5 लाख अगर ये एमओएस 50% है, आप ध्यान देना, एमओएस अगर 50% है हमारा, तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी कितने परसेंट होगा? हाँ कि ना, ठीक है। यानी अगर मैं एक्चुअल सेल्स निकालू तो एक्चुअल सेल्स इसमें 50% और ऐड कर देंगे, यानी मैं पहले यहीं तक आ जाता हूँ, ब्रेक इवन सेल्स पता चल गया। टोटल सेल्स अगर मैं निकालता हूँ तो टोटल सेल्स पता है कितना होगा? 5 लाख, और ये 50% है तो डिवाइडेड बाई 50 × 100 करोगे, दैट इज आपका आ जाएगा 10 लाख का। पहले तो ये क्लियरिटी करो कि 10 लाख रुपए का सेल है हमारा टोटल, हाँ या ना? अभिषेक ने बता दिया प्रॉफिट इंटू एमओएस, ठीक है अभिषेक मैं अभी देख लूंगा इसको। अगर 10 लाख रुपए का सेल्स है तो वीसी का परसेंटेज तो पता है ना आपको? सर वीसी का परसेंटेज है कहाँ? वीसी का परसेंटेज होता है 100 माइनस में कंट्री का अपॉन सर पीवीआर, 100 माइनस में पीवीआर का परसेंटेज, क्योंकि पीवीआर इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे वीसी का परसेंटेज निकालू तो क्या आ जाएगा हमारा? 60%। अब देखिए स्टेटमेंट बनाते हैं, सर सेल्स है हमारा 10 लाख, वीसी हो गया हमारा कितने परसेंट? दैट इज 6 लाख, कंट्रीब्यूशन बता 4 लाख, 2 लाख रुपए हमारा क्या बन गया? एफसी। तो क्या निकल के आया? प्रॉफिट निकल के आया सर 2 लाख का। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें? तीसरा हो गया क्लियर। और देखो मैं ये सवाल इतने सारे, वैसे कॉन्सेप्ट अगर बोलोगे ना सर इसमें क्या बचा है, बस एक चार्ट बता हुआ है जो थोड़े टाइम का, एक एक आधे घंटे का चार्ट है समझाना है, वो भी पहले मैं थोड़ा सा बता ही चुका हूँ। इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आने वाले चैप्टर नहीं होंगे भैया, क्योंकि कुछ चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं आगे जाके। और ये आपका, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है ये। क्यों इंटरेस्टिंग लगता है? क्योंकि इसके अंदर आपको दिमाग लगाना है। फाइनल अकाउंट कोई चैप्टर होता है? फाइनल अकाउंट फॉर्मेट बना हुआ है, पुट करते जाओ, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। इसके अंदर आपको चारों तरफ से दिमाग सोचना है कि यहां से ये निकाल सकते हैं। एमओएस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 35%, ठीक है। एमओएस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो लो जी सिंपल सी बात है, निकल ही गया। अब मैं क्या बताऊं आपको, बताओ एमओएस क्या था? 35% नहीं, रुपीस में था ये तो। किताब निकाल लो भाई, एमओएस दे रखा है 70,000। नई किताब खरीद के बच्चे बैठे हैं, बताओ। और किसका परसेंटेज है बताओ? सवाल नंबर 10 है, बता भी दिया ये देखो। और परसेंटेज 50% हमारा है
वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज, वीसी का है हमारा कितने परसेंट है यार, एक पीछे सवाल चला जाता है बार बार देखना पड़ता है, 35%। ठीक है, और अगर आपको मैं वीसी का परसेंटेज दे दूं और ये सेल्स है, ये क्या है हमारा सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या होता है, सेल्स ही होता है, तो हमें सेल्स पता है सर, सेल्स 70,000, और इसमें से माइनस कर दो कितने परसेंट, देखो ये कोई सवाल है बताना जरा, लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे होंगे ना प्रैक्टिस, उनको लगेगा वो ना छोड़ के भाग जाएंगे। दैट इज प्रॉफिट। क्यों सर ऐसा क्यों, मैंने बताया था एमओएस के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं होता, तो भैया सीधा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया मैंने, दैट इज हमारा प्रॉफिट। ठीक है, चेक करते जाइएगा आंसर। और बुक में देखो दूसरे तरीके से करा होगा, लेकिन मैं बुक का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, जैसे जैसे हो सकता है वो मैं करता जा रहा हूँ। बहुत पैटर्न है सर इसके, आप 10 तरीके बना लेंगे मेरे साथ साथ तो वो अलग चीज़ है। एक्चुअल सेल्स दे दिया, पीवी रेशो दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया, इसमें तो कहानी पूरी बदल गई। एक्चुअल सेल्स बताना क्या क्या है, ठीक है, कहानी बदल गई मतलब बड़ी सिंपल हो गई है, बिल्कुल स्टेटमेंट कर देंगे इसको, तो यही करते हैं इसको। ये कौन सा पार्ट था, ये वाला चार, पांचवें पार्ट से आते हैं। क्या क्या दे रखा है, एक्चुअल सेल्स कितने रुपए, 80,000, और क्या पीवीआर कितना, 20%। अब वेरिएबल रेशो कौन बताएगा, कौन बताएगा, 80%, फिक्स कॉस्ट 10,000, तो स्टेटमेंट बना देते हैं, सेल्स 80,000 माइनस में वीसी 64,000, बचे कितने 16,000, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, और मैं डायरेक्ट भी निकाल लेता कंट्रीब्यूशन, 20% निकालता 16 आ जाता है कि नहीं, तो अब बस सोच है, फिक्स कॉस्ट 10,000, तो इसके बाद जो बचेगा 6,000 उसको एक ही नाम दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए,